आज हम क्लास फाइव के बच्चों को व्याकरण प्रवीण व्याकरण पढ़ाने आए हैं। इस वीडियो में हम आपको वन से सिक्स तक पढ़ा चुके हैं। पिछली वीडियो में आप उसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और नहीं बुक है तो आप विद्यालय में संपर्क करके अपनी बुक को ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम आज पढ़ेंगे पाठ सात कारक। चित्रों को देखिए और समझिए। चित्र को देख लीजिए और फिर आप नीचे पढ़िए और समझिए। यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है और जन्मदिन में कौन कौन सी वस्तु है और कैसे संबंध हो रहा है। राजन, आज राजन का जन्मदिन है। आज राजन का जन्मदिन है। उसके माता पिता ने घर को सजाया है। दीवार पर गुब्बारे व झालरे लगाई हैं। राजन ने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। राजन के सभी मित्र आए हैं। वह अब चाकू से केक काटेगा और मोमबत्ती बुझाएगा। उसके सभी मित्र उसके लिए उपहार मतलब गिफ्ट। आप लोग जो कहते हैं आपके जन्मदिन मनाया जाता है तो उसमें जो गिफ्ट आता है उपहार है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि ये जो रंगीन वाले, अब देखिए यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये पिक्चर, ये चित्र क्या कह रहा है आपके लिए और ये क्या कह रहा है आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर दिए गए रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये जो रंगीन शब्द हैं इनको ध्यान से पढ़ना है। यदि ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से इन्हें हटा दिया जाए तो कोई भी वाक्य स्पष्ट नहीं होगा। क्या करा करा कि अगर दिए गए ऊपर दिए गए जो अनुच्छेदों में से इन्हें हटा दिया जाए, इन जो कलर से जो रंगीन शब्द हैं अगर उनको हटा दिया जाए तो जो वाक्य हैं वो स्पष्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आज राजन जन्मदिन है। आप का को हटा के देखिए, आप का को हटाकर यहाँ तक पढ़िए। देखिए क्या आज राजन जन्मदिन, क्या जन्मदिन। अगर हम का को हटा देते हैं तो क्लियर नहीं हो रहा है वाक्य। उसी तरह उस माता के हटा दीजिए, यहाँ के रंगीन शब्द है, उस माता पिता ने हटा दीजिए घर, फिर को हटा दीजिए सजाया है। उस माता पिता घर सजाया है, उस मतलब क्या होना चाहिए, उसके माता पिता ने घर को सजाया है। ठीक है, आइए अनुच्छेद में दिए गए रंगीन शब्द का का के ने को पर से के लिए आदि वाक्यों में शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती हैं। अब ये सब जो रंगीन शब्द हैं इनका काम क्या है, एक दूसरे शब्द को आपस में जोड़ना, रिश्तेदार रिलेशन बनाना, मतलब मित्र भी कह सकते हैं कि अगर इनको हटा दिया जाए तो इनके बीच क्या जाएगा, स्पेस हो जाएगा और कोई भी वाक्य पूरा नहीं होगा। इनका काम है कि वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ना। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के प्रकार, अब देखिए कारक के आठ प्रकार होते हैं। पहले कारक के प्रकार को पढ़ते हैं। कह रहा है कारक के आठ प्रकार होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ आपको पता चलेगा। अब आठ में जो कारक उनके चिन्ह दिखे, कर्ता ने, कर्ता यहाँ कौन है, जिसे हो गया
माता पिता, यहाँ जोड़ रहा है ने, कर्म को करण से या के द्वारा, दोनों आ सकता है। संप्रदान के लिए या को, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे और अरे। यहाँ बड़ा चित्रा होता कि नहीं तुझे, एक मिनट।